शर्टिंग शूटिंग का सबसे बेहतरीन कलेक्शन नवकार फैब्रिक्स छाटोल, जहां पाएंगे सबसे कम दाम में सबसे बेहतरीन क्वालिटी। नवकार फैब्रिक्स छाटोल, जोधपुर सूट, कुर्ता पैजामा, सफारी सूट, पैंट शर्ट हो या फिर शादी पार्टी के लिए कपड़े, नए डिजाइन व बेहतरीन रेंज में उपलब्ध। नवकार फैब्रिक्स छाटोल, डॉक्टर हेडगेवार मार्ग छाटोल। संपर्क करें 9166520734। नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान 24। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। अयोध्या में अगले साल जनवरी में भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। रामलला की पहली आरती के लिए जोधपुर से घी भेजा गया है। देव दीपावली के दिन सोमवार को शुभ मुहूर्त में जोधपुर के बनाड़ स्थित श्री श्री महर्षि संदीपनी राम धर्म गौशाला से 11 रथों में 600 किलोग्राम घी भेजा गया है। रथों को रवाना करने से पहले घी से भरे 108 कलशों की आरती की गई। गौशाला में भक्तों ने जय श्री राम के जयकारे लगाए। रथों के साथ गौशाला की महर्षि संदीपनी महाराज भी अयोध्या के लिए रवाना हुए। श्री श्री महर्षि संदीपनी राम धर्म गौशाला के संचालक महर्षि संदीपनी महाराज ने बताया, जनवरी 2024 में रामलला राम मंदिर में विराजेंगे। रामलला की आरती और हवन में हमारी गौशाला में तैयार घी का इस्तेमाल किया जाएगा। यह सौभाग्य की बात है कि जोधपुर से रामकाज के लिए घी भेजा है। आज गौशाला से 11 विशेष रथ रवाना किए गए हैं। इन रथों को गौशाला में ही 6 महीने से तैयार किया जा रहा था। हर रथ पर 3.5 लाख रुपए लागत आई है। इन रथों में 108 स्टील के कलश रखे हैं, जिनमें कुल 600 किलो घी है। यह घी खासतौर से रामलला की पहली आरती और हवन के लिए ही हम 9 साल से तैयार करके इकट्ठा कर रहे थे। बनाड़ गौशाला में दोपहर 3 बजे विधिवत पूजा अर्चना के बाद सजे धजे रथ शोभा यात्रा के रूप में रवाना हुए। हर रथ के साथ 3 सेवादार हैं। शोभा यात्रा पावटा रोड होते हुए रात 9 बजे कायलाना स्थित भारत माता मंदिर पहुंची। भारत माता मंदिर में यात्रा का रात्रि विश्राम है।